देखिए एग्जांपल नंबर टू सर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक ऐसे सर्कल का जिसकी रेडियस 4 है और जिसका एंगल 30 है। बेटा एंगल 30 का मतलब समझ में आ रहा है, सेंटर पे एंगल 30 है। बेटा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी वो आज काम आ रही है। मैंने कहा था आपसे जब तक ये अकेला एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो आपको उसे माइनर ही समझ के चलना है और आपको आगे जाके इसमें मेजर का देखो अलग से निकालना उसने बोला है, तो आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री। सभी सुनेंगे इधर, एरिया ऑफ सेक्टर गलती से भी पाई की वैल्यू 22/7 मत लगाइएगा, दे रखी है। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 30/360, पाई बोले तो 3.17 और रेडियस 4/4। बेटा ये 12 टाइम्स कट गया, ये 4 से 3 टाइम्स कट गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 12.56/3। इसको डिवाइड करना। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, इस चैप्टर में मेरी सुनो आप, इस चैप्टर में जो पीछे आप आंसर देखेंगे ना बहुत झोल दिया हुआ है, भरोसा मत करना। कई आंसरों को एनसीईआरटी में इसी में फ्रैक्शन में छोड़ दिया है, कईयों को सॉल्व नहीं किया है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पूरा पूरा आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है शुक्रिया। 3 4 12 3 1 3 3 8 24। बेटा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर बहुत है, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना सेंटीमीटर, क्या हुआ नहीं समझ में आया, नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्शन का मैंने एक तो फॉर्मूला बताया था आपको, या तो 360 माइनस थीटा करके या पूरे सर्कल के एरिया में से। फिलहाल में मुझे जो ठीक लग रहा है वो 360 माइनस थीटा वाला लग रहा है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360। बच्चों 360 माइनस थीटा का मतलब माइनस 30, कितना बचेगा 330/360, पाई 3.14, रेडियस 4/4, 0 0, 3 से 11, 3 से 12, 4 से 3, और कुछ तो कट नहीं रहा। ये आपको मल्टीप्लाई करके थोड़ी देर पहले 12.56 आ रहा था, 12.56 का 11 में मल्टीप्लाई 1 से 6 1 से 5 1 से 2 1 से 1 6 5 2 1 6 11 8 3 1 बेटा 138 पॉइंट, लेकिन अपॉन में क्या चल रहा है अभी 3 से 3 4 12, 3 6 18.035 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये लीजिए, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एग्जांपल नंबर 2 खत्म हो गया, नोट करिए। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एवाईपी। अच्छा एक्चुअली में क्या है, इसमें फिगर इसने बना के दिया है बेटा, फिगर इसने बना के दिया है, तो मैं फिगर बना देता हूं। मैंने देखा नहीं कि इसने फिगर को गिवन किया हुआ है, ऐसे करके इसने फिगर दे रखा है। रेडियस 21 120। बच्चों ऐसे करके और बकायदा उसने शेड किया है। ये लीजिए आपको इस वाले सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ सेगमेंट यही तो होता था कॉर्ड और आर्क के बीच का, लेकिन इसके लिए इतना हेडेक लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, और ये भी अंडरस्टूड है कि वो माइनस सेगमेंट की बात कर रहा है जब तक कुछ नहीं बोला उसने। थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। कल यही फॉर्मूला बताया था मैंने, 120 डिग्री आ गया, इसीलिए ये वाला लगाना 120 अपॉन पाई, पाई रहने दो, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है, 22/7 लगेगी, और आर कितनी दे रखी है 21 का स्क्वायर। बेटा आर यहाँ पे 21 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 कॉस 60, 60 कैसे 120 का हाफ हो गया है बच्चों दोनों जगह, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। देखो बेटा बार बार 21 का स्क्वायर यहाँ रख के अपना टाइम बर्बाद मत करना, दोनों में से 21 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा जो कि 441 होता है, बाद में बात करेंगे। ये अभी फिलहाल में कट जाएगा 3 टाइम्स, तो पाई अपॉन 3, ये पाई और ये कट गया 3 टाइम्स, तो पाई अपॉन 3 बचा। यहाँ क्या बचेगा बेटा साइन 60
और cos 60, सही है। तो 441 और यहाँ पे बच्चों ये 2 2s आर कितना 4 और 3 का LCM 12, 4 पाई माइनस का कितना 3√3, सही है। अगर 12 से कट रहा हो तो काट लीजिए, कट तो जाएगा। 3 से 4, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 7, ठीक है 147। बेटा ये वाला 4 नीचे लिख सकते हो और इसमें 4। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमको पाई की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी, इस जगह लगा रहा हूँ। लेकिन समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 147 अपॉन 4, ये 4 में इसके नीचे लिया है बच्चों, 4 पाई की जगह क्या 22 अपॉन 7 माइनस रूट 3 की जगह 1.73 2 पूरी रखो। 147 अपॉन 4 कितना बचा बेटा 88 अपॉन 7, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 5.196। 147 अपॉन 4 बच्चों 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 5.196 इनटू 7, 7 6 42, 7 9 67 67 13 36.672, सही है। जिसको हम किसमें से माइनस करेंगे 88 में से, 88 में से माइनस करेंगे 36.372, ये बचेगा 51.628 अपॉन 7, 7 से कट गया कितने टाइम्स 21 टाइम्स, ठीक है। अब बेटा 21 का जस्ट इसमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 4 कर लेना, आंसर तो निकाल लोगे कि अब ये भी कर दे दूं, ये तो हो जाएगा, कर लीजिए नोट करिए। देखो एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14। आपसे कह रहा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14। बेटा सारी साइड बराबर ही होंगी जी। आपसे कह रहा है शेडेड ये वाला पार्ट निकालना है। देखो हाँ बोलो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल चीज, लैंग्वेज में आप इसको पहले ही जो है टारगेट सेट कर लें। सीधी सी बात है, अगर आप स्क्वायर के पूरे एरिया में से 4 सर्कलों के एरिया को आ जाएगा। अब पहली चीज तो ये कोई बच्चा ये ना कहे सर ये छोटे बड़े सर्कल है तो इसमें कोई, वो तो मैंने बनाए मेरे हाथ से इतने ही बन पाए, बराबर आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे, सेम आएंगे, जरा भी कोई फर्क नहीं आएगा है, डायमीटर। देखिए अब सबसे पहला हमारे टारगेट यहाँ पे है कि एरिया ऑफ 4 सर्कल निकालने के लिए क्या हमारे पास रेडियस है, नहीं, ये भी कोई बात नहीं बेटा, ये पूरी 14 है, ये 7 होगी और ये 7, लेकिन ये 7 डायमीटर का काम करेगी। तो रेडियस कितनी, पॉइंट में कम किया करो 7 अपॉन 3 बच्चों। साइड को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं स्क्वायर की, सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलो फोर सर्कल्स बच्चों। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, आधा नंबर इसका मिलेगा साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, 4 सर्कल है 4 का पहले ही मल्टीप्लाई कर लेना पाई आर स्क्वायर, साइड कितनी है 22 अपॉन 7 और रेडियस कितना बच्चों 22 × 7 154, तो बेटा कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये शेडेड एरिया का बेटा एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 करा दिए गलती से, 4 रह गया था, 4 देखो पहले, 6 बाद में देखेंगे, ठीक है अक्षिना। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, अब ये मत कहना फ्लावर का लिखा, किताब में लिखा है मैं कुछ चीजें काट दी। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स दे रखे हैं, उन 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन एबीसीडी, एक स्क्वायर लॉन देख पा रहे हैं बीच में एबीसीडी, उनके 2 साइड्स पे आपको 2 क्या दे रखे हैं,
बेड दे रखे हैं सर्कुलर बेड्स, मतलब ऐसे सर्कल की शेप में, सेमी सर्कल बने हैं वो बात अलग है। ऑफ साइड 56, स्क्वायर की साइड 56 है, कह रहा है सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर लॉन। ये बेटा आप देख रहे हो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द सेंटर ऑफ दीज टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स। ये दोनों बेड्स का क्या है, एक तरीके से सेंटर है। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड बेड्स। ये जो लॉन है इसका और दोनों बेड्स का जो एरिया है, इन तीनों का क्या चाहिए आपको, सम निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। टारगेट सेट करते हैं बच्चों। अगर आप देखें तो बीच में तो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया तो बहुत सिंपल होता है, साइड स्क्वायर, और साइड भी आपको दे रखी है, तो इसका तो एडिंग खत्म, इसे छोड़ो। अब यहाँ पे आ जाओ इस पे। अगर आप इसको कंपेयर करो, पहली चीज तो एक बात, दोनों बेड्स सेम एरिया के होंगे, तो दोनों का अलग अलग मत निकालना, एक का निकाल के उसमें टू का। पहले बताओ इसकी शेप क्या लग रही है आपको, सेगमेंट, इट इज सेगमेंट, बिकॉज दिस इज कॉल्ड नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो आप इसे डायमीटर नहीं बोल सकते सर, दिस इज कॉर्ड एंड दिस इज आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट। तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, यानी कि एक बेड का एरिया आ जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आ जाएगा, और उसको स्क्वायर के एरिया में ऐड कर देंगे। यहां तक सबको समझ में आए? लेकिन अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सर सेगमेंट का जब एरिया लगाओगे आप थीटा अपॉन 360, तो पहली चीज तो थीटा नहीं है हमारे पास, सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा होता है। क्या कोई बता सकता है बच्चा यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हम 8th चैप्टर यानी कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सही है? तो बेटा पहली चीज तो डायगोनल जो स्क्वायर के होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये थीटा कितना होगा, 90। छुपी हुई बात है लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, थीटा 90। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चे ने किया, सर रेडियस कहाँ है, जब सेगमेंट निकालोगे तो रेडियस चाहिए होगा, दिस इज ओडी एंड ओसी, ये क्या है, रेडियस, सही है, सही है, जो कि ओडी किसकी हाफ होगी, पूरी बीडी की, अभी तो बताया मैंने डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि ओडी चाहिए तो बीडी की हाफ कर दो। अब एक बोला तो बीडी कहां दिया है, बीडी इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, देखो जरा बीडी क्या है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार डायरेक्टली बताया था, रूट टू इनटू साइड, डूब मरो कहीं जाके, फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं, बच्चा बता देगा 7th क्लास का कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू इनटू साइड दे रखी है। तो बेटा टारगेट पे टारगेट बनते चले गए, सोचा तो पहले क्या था, सिर्फ थीटा, फिर बात किसकी आ गई, रेडियस, उससे निकला डायगोनल, और डायगोनल के बाद भी डायगोनल निकालें कैसे, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, सबसे पहले डायगोनल कौन सा, बीडी, ठीक है यश, डायगोनल का फॉर्मूला रूट टू इनटू, यश तुम हंसते ही रहते हो, बोलते नहीं है बिल्कुल कुछ, 56 रूट टू, अगर ऐसा है तो ओडी कितना आ जाएगा, डायगोनल बीडी का हाफ, यानी कि 28 रूट टू, बेटा इसका हाफ कर दो, टू से यही तो कटेगा, आप आगे लिखना चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, लिखना चाहो तो। चलो ओडी आ गया, और ओडी किसका काम करेगी बेटा, रेडियस का। अब आगे देखिए, रेडियस हो गया, थीटा हो गया, सेगमेंट आसानी से निकल आएगा। चलो तो अब चलते हैं अपना, क्या क्या सिग्मा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट मत बोलो भले इसको, एरिया ऑफ बेड बोलो, वन बेड थीटा अपॉन माइनस, बेटा थीटा 90 है फिलहाल में, तो यही वाला फॉर्मूला लगा लो बच्चों, 90 आपको पहले समझ लो, लिखने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, पाई कहीं दे नहीं रखा दूर दूर तक, रेडियस कितनी है बच्चों, 28 रूट टू इंटू 28 माइनस हाफ, मैंने एक प्रॉब्लम है, 28 रूट टू का स्क्वायर लिखना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉमन आ जाता है स्क्वायर, अब लिख देता हूं कोई बात नहीं है। और बेटा साइन क्या, 90, साइन 90 वैल्यू 1, वो भी याद नहीं है, 4 बच्चों 28 रूट टू दोनों में से कॉमन ले लो, 28 रूट टू का क्या स्क्वायर, क्या बचेगा 22 अपॉन 7,
और अपॉन में 4 भी है तो 2 से 2 टाइम्स 2 से 11 11 अपॉन 14 गुड माइनस का 1/2 बहुत बढ़िया बच्चों 28 रूट 2 का स्क्वायर चल रहा है और यहां पे क्या आएगा एलसीएम में 14 ऊपर क्या बचेगा 11 माइनस 2 से 7 सही है आ रहा है कैलकुलेशन आ रही है वैसे तो आने वाली कोई बात नहीं आ ही रही होगी 28 रूट 2 का स्क्वायर यहां क्या बचेगा 4 अपॉन 11 में से 7 गए 4 अपॉन 14 यहां तक आ गया सबको समझ में पक्का इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे पूरा पूरा कटेगा ये लेकिन आप पहले यहां तक नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास पूरा सॉल्व करके दूंगा इसे यहां पे हां भैया कैलकुलेशन अब उसे हम ओपन कर रहे हैं 28 रूट 2 इनटू 4 अपॉन 14 बेटा 14 से सीधा सीधा 2 टाइम्स कट गया और देखो 2 4 जार 8 root 2 2 और 28 4 8 6 8 जार 48 6 2 12 16 1 8 से 2 4 4 8 बहुत बढ़िया सही आ रहा है आपका 4 4 8 मीटर स्क्वायर क्या आ गया ये एक बेड का एरिया अब क्या निकालेंगे अब मैं सब कुछ निकाल रहा हूं इसी में सम ऑफ एरियाज ऑफ क्या लॉन एंड टू बेड्स दो बेड का और लॉन का एरिया का सम निकाल रहा हूं जो हमसे पूछा है बेटा लॉन का एरिया तो साइड स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और ये एक का एरिया आया इसमें किसका मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे बच्चों 56 का स्क्वायर और ये कितना 56 का स्क्वायर कितना होता है 3136 बहुत अच्छे और 896 को ऐड कर लो 3136 896 6 और 6 12 13 4032 दिस इज द फाइनल आंसर 4032 मीटर स्क्वायर पूरे इस लॉन का और दोनों बेड्स का